नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिस्कशन लेकर के, जिसका टॉपिक मैंने दिया है हाउ टू पे ऑफ योर लोन। बेसिकली जो समस्या हम सब लोग इस समय कोविड-19 की वजह से फेस कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके मेरे सामने है कि हमारे एग्जिस्टिंग लोन्स को हमें कैसे मैनेज करना है, हमें मोरेटोरियम को किस प्रकार से अवेल करना है, मोरेटोरियम को अवेल करना है या नहीं अवेल करना है, और एक लोन के किसी पर्टिकुलर मैनेजमेंट को करने में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं यही डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं चाणक्य नीति से एक सुंदर स्टेटमेंट आपके सामने लेकर के आया हूं, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। ऋण शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। तो रोग कौन सा? कोविड-19 का वायरस, जिसको हमें समाप्त करना है, जिसके लिए हम सब कृत संकल्प हैं, और ऋण, जिससे संबंधित ये पर्टिकुलर वीडियो है कि ऋण को हमें किस प्रकार से समाप्त करना है, कैसे हम ऋण को अपने सर से उतारें, क्योंकि बिना ऋण के सर आजकल चीज़ें बनती नहीं हैं। आप चाहे होम लोन ले लें, चाहे आप कार लोन ले लें, किसी भी प्रकार का आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में भी लोन लिया होगा, व्हीकल से रिलेटेड लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, ये सारे लोन ही सर हमारे लिए किसी न किसी रूप में अपने साथ एक टेंशन लेकर के आते हैं। उस टेंशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये डिस्कशन करने का प्रयास मेरा आपके साथ रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपके साथ क्या क्या चीज़ कवर करने वाला हूँ। इम्पैक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में होने वाले चेंजेस किस प्रकार से आपके लोन को प्रभावित करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ मोरेटोरियम, यदि आप मोरेटोरियम के थ्रू गुजर रहे हैं, यानी मोरेटोरियम का लाभ ले रहे हैं, तो ये मोरेटोरियम किस प्रकार से आपके लोन को प्रभावित कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुड मोरेटोरियम बेनिफिट बी अवेल्ड और नॉट, क्या हमें मोरेटोरियम का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना, और कुछ स्मार्ट टिप्स जो मैं समझता हूं सर आपको किसी भी टर्म लोन को फेस करने में, उसको कंट्रोल करने में और उसकी टेंशन को कम करने में आपके साथ काम में आने वाली चीजें हैं। जो पॉइंट्स हैं वो मैं यहां पर आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सर, यहां पर मेरा पहला डिस्कशन है आपके साथ, इंपैक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, कि किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंक्रीज होना आपके लोन को प्रभावित करता है, आपके रीपेमेंट को प्रभावित करता है। मैंने इस बात को एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा है कि मान लीजिए आपने एक एग्जिस्टिंग लोन 25 लाख रुपए का ले रखा है, जो कि 180 महीने यानी 15 साल की अवधि का है, जिस पर इंटरेस्ट रेट 8.25% है, जिसकी ईएमआई 24,254 यानी 24,254 है, और अगर ये लोन इसी प्रकार से चलता रहेगा तो आपको टोटल 15 साल में बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लगभग 43,65,000 43,65,000 चुकाने हैं, अर्थात आप 18,65,000 रुपीज़ का एज इंटरेस्ट बैंक को पेमेंट करने वाले हैं। मान लीजिए सर, 12 महीने बाद जब लोन का अमाउंट 24,11,927 रह जाता है, बैंक आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके 9% कर देता है। तो यदि आपका इंटरेस्ट रेट 9% होगा और बैंक आपकी ईएमआई को बदलता नहीं है, 24,254 ही रखता है, तो आप देखिए सर, एज कंपेयर टू 43,65,000 जो यहाँ पर आपका रीपेमेंट था, यहाँ पर आपका टोटल रीपेमेंट अब बढ़कर के हो जाएगा 47,53,000। क्यों? क्योंकि आपकी इन टोटलिटी 16 ईएमआईज बढ़ गई हैं और इस वजह से आपका 3,88,056 रुपये का पेमेंट ज़्यादा होगा बैंक को। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि नहीं साहब, मैं 12 महीने बाद बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी टर्म तो सेम रखी जाए 15 साल, और क्योंकि 12 महीने बाद आपके लोन की टर्म 168 महीने रह गई होगी, तो 9% की इंटरेस्ट रेट से आपकी उस समय ईएमआई रिवाइज होकर के की जानी चाहिए 25,300, और ऐसी परिस्थिति में आपका टोटल रीपेमेंट 43,65,000 के कंपैरिजन में हो जाएगा 45,41,000, यानी अभी भी आपको बैंक को इन टोटलिटी 1,75,745 तो चुकाने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार से सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना हमारे लोन के रीपेमेंट पर नेगेटिव असर डालता है। यहाँ एक बात मैं एजम्पशन के रूप में लेकर के चल रहा हूँ सर, कि जनरली जो हम लोन्स अवेल करते हैं आज की डेट में, वो वेरिएबल रेट के लोन होते हैं, और जितना लॉन्गर टर्म का लोन होगा, बैंक प्रेफर करेगा कि आपको वेरिएबल रेट का लोन वो दे, क्योंकि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एनबीएफसी वेरिएबल रेट में ये ऑप्शन अपने हाथ में रखते हैं कि समय के साथ साथ वो आपकी इंटरेस्ट रेट को घटा बढ़ा सके। मेरा व्यवहारिक अनुभव ये कहता है सर कि इंटरेस्ट रेट्स उतना घटती नहीं है जितना बढ़ती हैं,
और इसी वजह से सर अल्टीमेटली हमने जिन इनिशियल टर्म्स पर लोन लिया होता है उसके कंपैरिजन में हमारा फाइनल रीपेमेंट्स अल्टीमेटली जा करके ज़्यादा होता है। तो मैं आगे आपके साथ इसी विषय पर डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से सर एक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में मुझे ये सुनिश्चित करना हो कि मेरा टोटल रीपेमेंट 43,65,000 या उससे कम रहते हुए मैं लोन का भुगतान कर दूं, चाहे मेरी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो भी, और यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो मुझे और क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। जैसा मैंने शुरू में आपके साथ में डिस्कशन किया सर कि मैं यहां पर इंपैक्ट ऑफ मोरेटोरियम डिस्कस करने जाऊंगा, तो मैंने एक उदाहरण रखा है सर आपके सामने कि मान लीजिए ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आपने एक 25 लाख रुपए का लोन लिया था जिसकी 15 साल की टर्म थी, जिसकी 8.25% की इंटरेस्ट रेट है, जिसकी EMI 24,254 है, टोटल रीपेमेंट आपको 4,365 बैंक को करना है 15 साल में, और जिसमें 18,65,000 ब्याज होगा। एक साल बाद जब आपका मूल अमाउंट घटकर के लगभग 24 लाख रह जाएगा, जैसा मैंने पिछले उदाहरण में दिया था, हालांकि टोटल लोन अमाउंट 25 ही है, तो सर आपका टर्म बढ़कर के 187 मंथ हो गया, यानी आपका लोन अब खत्म होगा 15 साल 7 महीने में, लेकिन आपकी एक्चुअल EMI 185 ही लिखी है मैंने यहाँ पर। ऐसा क्यों सर, जरा ध्यान से समझिएगा। मोरेटोरियम का मतलब क्या है ये मैंने पहले भी एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपके सामने एक्सप्लेन किया था। मोरेटोरियम मींस उस पीरियड में आपसे रिकवरी नहीं की जाएगी लेकिन ब्याज ड्यू होगा सर। तो मैं यदि ये मान लूँ मेरे एग्जाम्पल में कि 13th और 14th मंथ आपका ब्याज ड्यू होगा, आपसे किस्त नहीं मांगी जाएगी, तो नेचुरली सर ये 13th और 14th मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आपके मूल में जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से आपका जो आउटस्टैंडिंग है, जो मेरे एग्जाम्पल में मैं 12 महीने बाद का मान रहा हूँ, वो बढ़ेगा, और वो जो ब्याज बढ़ा है सर, जो मूल में जुड़ गया, वो भी आपसे रिकवर किया जाएगा, मैं ब्याज। तो इस प्रकार से सर आपको टोटल रीपेमेंट अगर आप देखें 4365 के कंपेरिजन में अब करना पड़ेगा सर 4486, यानी आपने से 2 महीने के पीरियड का मोरेटोरियम अवेल किया। अब 2 महीने की किस्त मेरे उदाहरण में हुई 48,000, और आपको उस 48,000 के कंपैरिजन में कितना पेमेंट करना पड़ा, 1,21,358 एक्स्ट्रा। तो इससे वो क्वेश्चन खड़ा होता है सर कि क्या मुझे मोरेटोरियम अवेल करना है या नहीं, तो मैं वो डिस्कशन अब आपके साथ आगे करता हूं। लीजिए दोस्तों, प्रश्न आ गया, शुड मोरेटोरियम बेनिफिट बी अवेल्ड और नॉट। मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मेरे स्वयं के लोन में मेरे सामने क्वेश्चन आया कि क्या मुझे मोरेटोरियम का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना। तो मेरी स्पष्ट राय यह है सर कि वर्तमान परिस्थितियों में जब हम कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहे हैं, तो उस समय मेरे को या आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति का अवलोकन करना है। से मेरी EMI आ रही है किसी लोन में मंथली 50,000 रुपीज की, और मेरी अर्निंग्स मंथली घटकर के रह गई हैं से एट द सेम लेवल 50,000 और से टू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 80,000। अब मुझे 50,000 रुपीज की EMI का जुगाड़ तो हर महीने करना ही है। मेरे पास मान लीजिए मंथली फ्लो 80,000 भी है, तो भी सर मेरे को 50,000 देने के बाद में इस पीरियड में 30,000 ही बचेंगे, जबकि मेरी फैमिली का मासिक खर्चा भी मान लीजिए 50,000 ही है। सो आई एम इन नीड ऑफ रुपीज 1 लाख, वेयर एज मेरे को 30,000 रुपए ही किस्त चुकाने के बाद बचता है। तो चाहे मेरी पिछले डिस्कशन में मैंने आपके सामने ये बात रखी कि 2 किस्त का मोरेटोरियम लेने से आपको लगभग 1.25 लाख का टोटल रीपेमेंट में फर्क आएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर यह एक बुद्धिमता होगी मेरे मानने में कि हम मोरेटोरियम का बेनिफिट अवेल करें। क्यों? क्योंकि हाथ में कैश लेकर चलना सर बहुत जरूरी है। ये जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट अभी आने वाला है कोरोना वायरस के हटने के बाद में भी, वो निश्चित रूप से इकोनॉमी को कुछ समय तक प्रभावित रखेगा, और ऐसी परिस्थिति में बिजनेस या ट्रेड की पोजीशन नेगेटिव रह सकती है। तो यदि मेरे हाथ में कुछ कैश है तो दैट विल हेल्प मी इन डिसीजन मेकिंग, दैट विल हेल्प मी इन मेकिंग द फर्दर पेमेंट्स ऑफ माई फ्यूचर EMIs। सो आई वुड फ्रॉम माई साइड रादर सजेस्ट यू कि आप मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट, मोरेटोरियम के ऑप्शन का बेनिफिट जरूर अवेल करें। हाँ, यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है तो ऐसी परिस्थिति में सर यदि आप मोरेटोरियम का बेनिफिट नहीं लेते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बिना मोरेटोरियम लिए नॉर्मल रेगुलर वे में अपनी EMI का भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि आपके साथ कुछ स्मार्ट टिप्स शेयर करूंगा, क्योंकि लोन रीपेमेंट की समस्या केवल कोरोना वायरस के दौरान नहीं, अदरवाइज भी हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी रहती है। तो ये स्मार्ट टिप्स क्या है सर? पहला बात, Ask for rate reduction
फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, हम जब भी वेरिएबल रेट का लोन लेते हैं सर, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समय समय पर अपनी प्राइम लेंडिंग रेट या MCLR में रिवीजन की वजह से हमारे लोन की इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे चेंज करता रहता है, और ये चेंज करना उनके पास में बकायदा लोन एग्रीमेंट की पावर से होता है। अब इशू क्या है सर, जो ज़्यादातर मार्केट में फील मैंने देखा है या होते हुए भी देखा है, कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते ज़्यादातर हैं और घटाते कम बार हैं। यानी जो RBI जिस मैसेज के साथ में मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी को रिलैक्स करती है, ठीक उसी सिमेट्री के साथ में ज़्यादातर बैंक या ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर तक लाभ पहुँचाने में सफल नहीं होते। तो सर, इसका एक और तोड़ मैंने ये देखा है कि मान लीजिए आपका कहीं पर भी लोन चल रहा है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो इट वुड बी बेटर कि आप एटलीस्ट साल में एक बार एनुअली बैंक के पास या किसी NBFC जिससे आपने लोन लिया उसके पास पहुंचे, उनसे पूछिए साहब मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है, क्या इसमें कोई फर्दर फीस लेकर के या अदरवाइज रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट करने का प्रावधान है, और यदि है तो आप उसको निश्चित रूप से अवेल करिए। दूसरा ऑप्शन सर, इंक्रीज EMI ऑन पीरियोडिक बेसिस इफ पॉसिबल। देखिए सर, ये लॉजिक मैं इसलिए रखना चाहता हूँ, मैं इसे एक एग्जाम्पल से भी आपके सामने प्रूव करूंगा कि समयावधि के आधार पर आपकी EMI भी बढ़ती है, आपकी से सैलरी भी बढ़ती है, आपकी बिजनेस इनकम भी बढ़ती है, और बढ़नी चाहिए सर। तो यदि आपकी एनुअल इनकम बढ़ रही है या आपकी एनुअल सैलरी बढ़ रही है, तो आप ये कोशिश करें कि आप अपनी EMI को भी साथ के साथ बढ़ाएं। यदि आप EMI को साथ के साथ बढ़ाएंगे, तो यू विल सी दैट देयर विल बी अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन द पीरियड ऑफ द लोन रिपेमेंट एज वेल एज इन द नेट इंटरेस्ट विच यू विल पे एट द एंड ऑफ द डे टू द रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन। तीसरी बात, मेक प्रिंसिपल रिपेमेंट इफ पॉसिबल, जिसको हम लोग प्रीपेमेंट भी कहते हैं सर, कि आप समय समय पर जब भी आपके पास कैश की पोजिशन अच्छी हो, लिक्विडिटी पोजिशन अच्छी हो, आप अपने लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट करने की भी कोशिश करें, इससे भी आपको ओवरऑल इंटरेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। और चौथी बात सर, एक्सप्लोर टेक ओवर ऑप्शन, ये भी एक बुरी बात नहीं है सर, कि मान लीजिए मेरा एक एग्जिस्टिंग लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 9.5% पर चल रहा है और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझे 8.25% की इंटरेस्ट रेट देना चाहता है, यानी मुझे 1.25% के इंटरेस्ट रेट की बचत होगी, तो क्यों ना सर मैं 1.25% के इंटरेस्ट रेट की बचत लूँ। लेकिन मुझे उस 1.25% की इंटरेस्ट रेट की बचत के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते समय क्या फीस का भुगतान करना पड़ रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर है जो मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी ओपिनियन में सर, ये चार ऑप्शन जो मैंने आपके साथ में रखे, जिन्हें मैं आगे कुछ उदाहरण से भी आपके सामने रखूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके थ्रू आप अपने लोन के रीपेमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और आप लोन की टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा दोस्तों मैंने पहले आपके साथ बात किया कि मैं उदाहरण के थ्रू आपके सामने यही बात रखूंगा कि रीपेमेंट विद EMI एनहांसमेंट, मैंने एक उदाहरण के थ्रू आपके सामने बात रखने की कोशिश करी है कि मान लीजिए मैंने एक 25 लाख का लोन लिया जो कि 15 साल की अवधि के लिए था, 8.25% की जिसमें इंटरेस्ट रेट थी, 24,254 की जिसमें EMI थी, और टोटल रिपेमेंट मेरा 43,65,000 होगा, और टोटल 15 साल में मैं बैंक को 18,65,000 का ब्याज चुकाऊंगा। मान लीजिए सर, मेरे सजेशन अनुसार आपने हर साल अपनी EMI 500 रुपये ग्रेजुअली इंक्रीज करी, यानी उदाहरण के तौर पर 12 महीने बाद 13वें महीने आपने अपनी EMI बढ़ा करके कर ली 24,754, फिर उसके अगले साल फिर 500 बढ़ाया, एंड सो ऑन आप करते जा रहे हैं। मैं यदि ये मान लूँ कि आपकी इंटरेस्ट रेट सेम रहेगी 8.25%, तो आपकी लास्ट EMI मेरे अनुमान अनुसार जब तक बढ़ती रहेगी वो 30,254 तक पहुंच जाएगी 12वें साल के अंत तक, तो आपका टोटल रिपेमेंट 43,65,000 की जगह रह जाएगा सर केवल 41,30,000, यानी नेट में आपको 2,35,000 रुपये की बचत ब्याज में हो जाएगी सर। ये एक बहुत बड़ी बात है समझने के लिए कि मेरा 15 साल का लोन सर 12 साल 8 महीने में ही चुक जाएगा और मुझे ओवरऑल इंटरेस्ट की बचत होगी। तो ये उदाहरण है सर जिसके थ्रू मैंने इस बात को रखने की कोशिश करी। आप अपने लोन के फैक्ट्स को एग्जैक्ट रखते हुए किसी एक्सेल शीट पे या आपके इनकम टैक्स कंसल्टेंट के साथ इस बात का डिस्कशन करते हुए इस तरीके के बेनिफिट अवेल करने की बात सोच सकते हैं। मैंने इसी उदाहरण को आगे बढ़ा लिया सर कि मान लीजिए इसी लोन में एक साल बाद जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% कर दिया और मैंने EMI को सेम रखा, शुरू से
24,254, लेकिन एक साल बाद से मैंने ईएमआई को 500 रुपये बढ़ाना शुरू किया तो सर मेरा टोटल रीपेमेंट 44 लाख हुआ। मैं अभी भी नुकसान में हूँ एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल 18-65, मैं 19,05,000 रुपये चुकाऊंगा, पर फिर भी सर मुझे होने वाला ब्याज मात्र 39,683 रह जाएगा, चाहे बैंक ने इंटरेस्ट रेट 8.25 से बढ़ा के 9 क्यों ना कर दिए। यानी इस उदाहरण से जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ ये सर कि ईएमआई को समय समय पर बढ़ाना, अब कब बढ़ाना है वो आपकी कॉल है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऑप्शन चूज कर लिया तो अब हर साल बढ़ाना है। एक साल चूज किया, अगले साल आपको लगता है नाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल, डोंट इंक्रीज, तीसरे साल फिर बैंक के पास आप कंफर्टेबल हैं, पहुंच जाइए। सो दिस इज वन वे थ्रू विच यू कैन कंट्रोल योर ईएमआई पेमेंट शेड्यूल एंड दैट विल हेल्प यू इन कंटेनिंग द इंटरेस्ट पेमेंट विच यू विल मेक टू द विच यू विल मेक काइंड ऑफ पेमेंट टू द बैंक। और उदाहरण देखिए सर, रीपेमेंट विद प्रिंसिपल रीपेमेंट एवरी ईयर, यानी मैं ये मान रहा हूँ कि आप हर साल मूल में कुछ चुकाएंगे। तो मेरे पूर्व उदाहरण में ही सर, जिसमें मैं 25 लाख रुपए 15 साल 8.25% की इंटरेस्ट रेट, मैं ये मानता हूँ कि आप हर साल के बिगिनिंग में 35,000 रुपये का प्रिंसिपल प्रीपेमेंट बैंक को करेंगे। तो आप देखिए सर, एज कम्पेयर टू 180 मंथ आपका लोन विथ सेम इंटरेस्ट रेट 148 महीने यानी 12 साल 4 महीने में ही पे हो जाएगा। सर कितनी बढ़िया बात है सर कि आप देखिए, आपको 3,56,000 रुपये का नेट में फायदा होगा। मान लीजिए फिर मैं ये मान लूँ कि 12वें महीने के बाद आपकी इंटरेस्ट रेट बैंक बढ़ा के 9% भी कर रहा है, तो भी सर आपको नेट में 127,000 रुपये का ब्याज का फर्क पड़ेगा अगर आप हर साल के बिगनिंग में 35,000 रुपये प्रिंसिपल में चुका देते। तो कहने का मतलब ये है सर कि दो बड़ी इफेक्टिव टेक्निक्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी जिसको ऑप्ट करना। और आपका एक क्वेश्चन, अब मैं यहाँ पर ये भी गेज कर रहा हूँ कि आप पूछेंगे भाटिया जी, मैं ईएमआई भी बढ़ा लूँ हर साल और मैं अपना प्रिंसिपल रीपेमेंट भी हर साल कर जाऊँ, क्या ये ऑप्शन भी मैं उठा सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप ले सकते हैं। कोई बैंक आपको ईएमआई बढ़ाने से या प्रिंसिपल प्रीपेमेंट से नहीं रोक सकता, बल्कि आरबीआई ने बड़ा स्पष्ट बात की है कि एक होम लोन के रीपेमेंट पर किसी प्रकार के प्रीपेमेंट चार्जेस बैंक नहीं लेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में सर, आप यदि इस प्रकार से अपने लोन का रीपेमेंट शेड्यूल करते हैं तो आप निश्चित रूप से बेनिफिशियरी होने वाले हैं, और यही मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस भी है। तो मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे सुनने के लिए, और मेरी इस प्रकार से मंशा थी या ये मेरी इच्छा थी कि मैं जो इस करंट कोरोना वायरस के सिनारियो में ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत सारी जनता इस वजह से परेशान हो रही है कि लोन का रीपेमेंट कैसे करेंगे या लोन का जो इतना बड़ा टाइम पीरियड है उसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये वीडियो सर निश्चित रूप से न केवल आपको मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट अवेल करने को प्रेरित करती है, बल्कि इसके साथ साथ एक नॉर्मल लोन जो आपका टर्म लोन के रूप में चल रहा है, चाहे वो 3 साल हो, 5 साल हो, 12 साल हो, 20 साल, आप निश्चित रूप से इस वीडियो के थ्रू अपने लोन के इंटरेस्ट रीपेमेंट को कंट्रोल करने में मदद ले सकते हैं। अगेन, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय।